आपसे से भी ज्यादा कंप्यूटर दिमाग है, हर चीज को समझती है बहुत ज्यादा। और मालिक की रक्षा करती है कैसे? पूरी अच्छी गाय कौन सी होती है? कांकरेज। कैसे? अरे भाई ये जंगल की चरी हुई का 5-5 लीटर दूध होता है। हाँ। तो वहाँ सोनीपत है, पानीपत, सारे वाड़ी भिवानी चराते हैं वो। तो यहाँ सिरोही में तो वो नारी गाय होती है, नारी ऐसे सीन की टिक्के पर। और ये सब जालौर के आदमी वहाँ चलाते हैं हरियाणा, जो हरियाणा से एक एक गाय छान के लाए। देसी गायों में से सबसे अच्छी गाय कौन सी? गाय होती है कांकरेज। कैसे? अरे भाई ये जंगल की चरी हुई का 5-5 लीटर दूध होता है। हाँ। 5-6 लीटर सुबह, 6 लीटर शाम। और फेंट आते 8 फेंट, 8.5 फेंट जी। भैंस की नहीं आते 8.5-8 फेंट। और कितने तापमान में रह सकती है ये? कच्छ के अंदर तो बिल्कुल धूप पड़ती है, बिल्कुल उसके अंदर ही पैदाश ही है। और कम पानी में रह सकती है? पानी 3 दिन में 1 दिन पिला दे तो भी रह जाती है। बहुत बढ़िया। कच्छभुज में यूट्यूब पर बोलना कच्छभुज की कांकरेज गाय, YouTube पे बोलना कच्छभुज की कांकरेज गाय। अकाल में भी रह सकती है? अकाल बिल्कुल, काल घोषित हो उसमें भी टाइम पास करती है। और समझदार कितनी होती है? बहुत ज्यादा, से भी ज्यादा कंप्यूटर दिमाग है, हर चीज को समझती है बहुत ज्यादा। और मालिक की रक्षा करती है कैसे? पूरी ये क्या है कि दूध सहन करती है, दांत सहन करती है, हर चीज को सहन करती है। इसका दूध पीने से कौन कौन सी बीमारियां चली जाती है? गैस की तकलीफ, हाँ, बीपी लो, शुगर, कैंसर और अनेक बीमारी कटती है इसका दूध से। ये जंगल में 17 जड़ी बूटी खाती है, सूंडे माता के पहाड़ों में सलाजीत होती है जंगल में। हरिद्वार का जंगल होता है जहाँ पे हाथी रहता, राजा पारक, राजा पारक का जंगल है हरिद्वार, जहाँ पे हाथी अतली रहती है वहां पे चलती है, हरियाणा चल के जाती है रुड़की। और ये जूनागढ़ का शेर आता तो शेर का सामना कर लेती है, ग्वाल को बचाती है, और चीतरा, रीछी, भालू आते तो उसको ग्वाल को बचाती है, भालू को भगाती है, शेर को भगा देती है। और हाथी का जंगल में चलती है हरिद्वार तो हाथी का झुंड को भगाती है, इसको भगाती है हाथी का झुंड को भगाती है हाथी का झुंड, राजा पारक के अंदर वो गैया है। जय पुष्कर राज की, जय तेजाजी महाराज की, जय खन्नार तेजाजी महाराज। बहुत ही कंप्यूटर जैसे दिमाग की गायें हैं, छोटे मुंह की गायें हैं, बहुत सुंदर दिखती हैं दिखने में। और देखो मेरे पास धीरे धीरे आ भी रही हैं।